हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरा मॉर्निंग का। तो आज हमने बनाया है लौकी के कोफ्ते। तो इसकी रेसिपी शेयर नहीं की कि एक बार डाला है इसका वीडियो मैंने, तो सबको ही बनाता है इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। और जल्दी जल्दी में था तो आज मुझे करनी है किचन की सफाई होली की, क्योंकि जब आए थे तभी सफाई किया था, तब से हुआ नहीं है। तो बहुत चिकट चिकट हो रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से जाला निकाल देती हूँ। तो ये गैस पे ना पेपर डाल देंगे, जैसे कचरा ऊपर से गिरेगा तो गैस पे नहीं गिरेगा, तो हम उसको झाड़ सकते हैं उठा के पेपर, नहीं तो वो गैस पे फिर गिरता है ना तो बहुत साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है ना, थोड़ा सा जाला जैसा हो गया ऊपर, तो इसको झाड़ू से निकाल देंगे। और क्या है, हफ्ते में 10 दिन में होता रहता है तो चलता भी, महीने महीने 2 महीने तो हो गए आए थे तभी हमने, उसके बाद ही किया था, तब से हुआ नहीं है। और ये खिड़की भी थोड़ा सा धुआं, क्योंकि यहाँ एडजस्ट फैन नहीं है, तो एडजस्ट फैन होता है ना तो क्या होता है, चिकट जो होता है वो बाहर निकला, या तो चिमनी हो तो उससे बाहर निकलता रहता है। सो ऐसा कुछ है नहीं है, खिड़की खोलो तो सुबह सुबह मच्छर वगैरह बहुत आते हैं, इसलिए। तो इसको हम झाड़ू से निकाल देंगे ऊपर से। और उसके बाद इसका कचरा, क्योंकि अभी सूखा है प्लेटफॉर्म, मैंने पोंछ के फिर ऊपर से झाड़ा था, क्योंकि पानी आनी रहता है तो वो चिपक जाता है, इसलिए उसको हम झाड़ू से ही झाड़ देंगे। और जो भी गैस पे रहेगा वो भी हम निकाल देंगे पेपर। तो यहाँ पे ना जगह नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो हिल गई, लड़का बैठा है। तो अभी इसको इसी पर डाल देंगे बाद में, क्योंकि इसको हम साइड से भी थोड़ा साफ़ करना है हमको, क्योंकि जो हमारे स्टैंड लगे हुए हैं ना वो हमने ही लगाए थे स्टैंड, तो इनको हम सब डब्बे निकाल के, डब्बे भी हमको साफ़ करने हैं। तो इसमें हमने निरमा डाला है, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, तो इसको पोंछ देंगे, क्योंकि ये ना सब्जी वब्जी छुकती है तो तड़का बड़का लगा, तो वैसे तो रोज के रोज उसको साफ़ कर लेते हैं, फिर भी क्या होता है ना वो चिकट चिकट जैसा हो जाता है, तो गर्म पानी से और निरमा डाल के साफ़ कर लो। और ये जो हमारे स्टैंड लगे हैं इनमें भी, क्योंकि गैस नीचे ही है तो उसका भी धुआं धक्कड़ जाता है, तो छोटी छोटी क्लिप है। तो ये सब करने के बाद नीचे हो गया कचरा, तो इसको हम झाड़ू लगा के फिर हम इसको साफ़ करेंगे। तो ये गैस हटा के इसका, साड़ी ना चिपक जाती है, क्या है ना गर्मियाँ हो गई है, तो इसको भी हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये खिड़की भी ना थोड़ा धुआं धक्कड़ से ना, अभी तो खैर गर्मी हो गई है, अभी गर्मी नहीं, अभी अच्छी खासी गर्मी हो गई है बॉम्बे में, कि यहाँ पर ना अभी बहुत गर्मी हो गई है। तो बस अभी इसको हम निकाल लेंगे। और ये पता नहीं क्यों नहीं ये चिकट चिकट छूटता है, वो खिड़की क्या है हवा पास होती रहती है, एडजस्ट फैन होता है तो वो धुआं जो तेल का रहता है तो वो बाहर निकलता रहता है। और क्या अभी थोड़ा सा ठंडा था तो सुबह सुबह खोलती भी नहीं थी खिड़की, कि सुबह 5 बजे खोल के फिर मतलब मच्छर वगैरह, तो इसलिए नहीं खोलती थी। तो वैसे भी ये घर को अब रोज़ आप साफ़ नहीं कर पाते, चलो डस्टिंग तो रोज़ होती नहीं हो पाती, कभी कभी हमारे जैसे लोगों की तो नहीं हो पाती रोज़ डस्टिंग, तो महीने में तो एक बार करना ही है, नहीं तो फिर वो बहुत चिकट हो जाएगा। तो इस साइड का हो गया, अभी हम इस साइड का भी कर लेंगे और इनको साबुन लगा के पोंछ देंगे, क्योंकि ऊपर का भी वो साफ़ करना है, अभी काम तो सभी करने हैं, मत करो तो वो फिर परत वही परत चिकट जमता रहेगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, कोई घर में आए तो देखेगा कि कितना चिकट है। तो इसको साफ़ करके, और स्टैंड को भी मैं थोड़ा पोंछ दूँगी, अभी इसको साबुन वाबुन नहीं लगाएंगे, कपड़े में साबुन लगा के ऊपर से पोंछ देंगे, क्योंकि ये इस पर मुझे दोबारा से चढ़ना पड़ा है, तो आपके घर में कोई रहे तभी चढ़ना, नहीं तो अकेले मत चढ़ना, क्योंकि गिरने का डर रहता है। तो बस कपड़े में साबुन लगा के इसको पोंछ देंगे, तो ज़्यादा धूल धक्कड़ तो है नहीं, फिर भी थोड़ा साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है महीना 15 दिन में। तो अभी बर्तन बर्तन नहीं निकालेंगे, क्योंकि बर्तन जो है ना हमारे सब नहीं लगे थे, अभी हमने आधे लगाए हैं, थोड़े से और पड़े हैं, तो अभी सोच रही हूँ वो उसी में पड़े रहने दें, क्योंकि इतना अभी नहीं हो पाता है।
और क्या होता है ना, आप जितना बर्तन लगा लेंगे निकाल लेंगे उतनी धूल मिट्टी रहेगी। और फिर अपने घर अपना जैसे लोगों का रोज़ का टाइम तो है नहीं है कि भाई रोज़ है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में कर लिए तो कर लिए, करना तो पड़ता ही है, करने नहीं करेंगे तो फिर कौन करने वाला है। तो बस इसको भी हम साफ़ कर देंगे और उसके बाद फिर ये भी ड्रॉप भी साफ़ करना है। अगले ड्रॉप सोचिए फिर किसी दिन करेंगे, आज किचन कर देते हैं। और कल हमने हॉल किया था तो बस ये ऊपर से भी स्टैंड को पहुँच देंगे। देखो एक ही महीने में धूल हो गई है। धूल के धूल तो इतनी आती है जैसे और कुछ नहीं मिलता है खजाना खाली धूल के अलावा। धूल मिट्टी का ही खजाना है, पैसा पानी कहीं नहीं मिलता। जितना धूल मिट्टी आती है उतना अगर पैसा आए तो बहुत अच्छा रहे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं ना, सबके लिए। तो कहाँ मिलता है कितना भी मेहनत करो। तो ये सब करने के बाद झाड़ू वाड़ू हो गई है और अभी हम लगा देंगे किचन में पोछा, क्योंकि बेटे ने लगाया था, छोटा वाला है घर में तो वो कर लेता है, अभी उसके एग्जाम चालू है, करता है जब तक मैं आती हूँ, क्योंकि कभी मुझे जल्दी भी होता है कभी लेट भी होता है, जैसा भी वो रह गया है उसके हिसाब से आना पड़ता है। और आज रात में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी बोलो तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो किचन ऊपर का काउंटर साफ कर दिया है, गैस भी साफ कर दी है, बस इसको पोंछा लगा देंगे, क्योंकि ये सब झाड़ू वाड़ू करो तो फिर चिकट चिकट होता है, वो पोंछा तो लगाना है। अभी हमारे कपड़े भी धुलने को पड़े हैं, नहाना धोना हमारा सुबह ही हो गया है, बाल धोई थी तो बाल भी ऐसे गीले हैं, ऐसे गीले बांध के बंधे हुए, अभी इनको खोलेंगे थोड़ी देर के बाद। और क्या है ना, मॉप से पोंछा ना मुझे समझ में आता नहीं, कभी लगा तो लेती हूँ कभी इमरजेंसी में होता है तो, क्योंकि हाथ से पोंछे लगाने में अच्छा रहता है और साफ भी, जब बहुत हो जाता है कि छोटी छोटी भी चीज़ें तो वो भी हाथ में आ जाती है पोंछे के साथ में, थोड़ा बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है, एक्सरसाइज करने को कहाँ टाइम मिलता है तो ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाता है। और मुझे थोड़े ये आटे वाटे के डब्बे भी धोने हैं, सोचती एक दिन निकालूँ इनको भी, सब निकाल के फिर इनको साफ करूँ। क्या है, आटा भी रखना है, साफ भी करना है, सब कुछ करना है। ये ना साड़ी पहन के ना पोंछा होता नहीं है, सोचिए अभी साड़ी निकालो फिर काम करो, सोचिए ऐसे ही इसी को करके कर लो। तो बस इसको हम पोंछ लेंगे। और बोलते ना कितना भी साफ करो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। क्या दिख ही जाता है, पोछा लगाने में भी मेहनत लगती है, ऐसे पोछा नहीं लगता है। हाँ ये है कि रोज पोछा लगाओ तो आपके शरीर का एक्सरसाइज जरूर होता है। डॉक्टर बोलते हैं ना, जब किसी का मतलब प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभी लोग डॉक्टर बोलते हैं कि आप पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, क्योंकि उससे आपको आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। तो बस इतना ही लगाऊंगी, क्योंकि इस साइड तो बच्चे ने लगाया है, उधर भी लगाया था उसने, के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं अपना, तो यहाँ भी लगा देंगे हम थोड़ा सा। और कल भी हमने पूरा कॉलिंग से साफ किया था, कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, 2 दिन से तो भागा दौड़ी इधर से उधर, उधर से उधर, क्या करेंगे, बहुत मुसीबत हो गई है कि बहुत मुसीबत हो गई है।
और आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोग के बगैर कुछ भी नहीं है। और आप लोग वीडियो देखेंगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है और अच्छा भी लगता है कि चलो हमारा सपोर्ट हो रहा है, हमारा हेल्प कोई कर रहा है तो चलो हम वो चीज़ करें रेगुलरली। अभी क्या है, मुझे जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो बना लेती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है तो मेरे वीडियो भी नहीं बन पाते हैं कि नहीं मिल पाता है। जॉब जॉब करो, फिर अपना ऊपर का भी काम रहता है, इधर जाना उधर जाना भागना, तो भागने में ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। तो बस आज इतना ही, वीडियो यहीं ब्लॉग को एंड करते, मिलते नए